केंद्र का नया बजट सबको निराश करने वाला है। जो बेरोजगार कई सालों से उम्मीद कर रहे थे कि इस बार तो कम से कम 6 साल बाद में मोदी जी कोई रोजगार की नौकरियां देने की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरियां देने का, उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जो एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है 1986 की, जो राजीव गांधी जी एजुकेशन पॉलिसी लाए थे, उसमें बड़े परिवर्तन की बात की गई है, लेकिन किसी तरह का विजन उन्होंने नहीं दिखाया और न राज्य सरकारों को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए किसी तरह की अतिरिक्त बजट की कोई बात कही गई है। मैं समझता हूं किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात मोदी जी 6 साल से कर रहे हैं, उनके लिए भी इस बजट में कोई खास नहीं है। कर्मचारी वर्ग ये उम्मीद कर रहा था कि इस बजट में कम से कम इनकम टैक्स की स्लैब में हमें राहत मिलेगी, वो राहत भी बिल्कुल नहीं दी गई है। कुल मिलाकर के राजस्थान को कुछ नहीं हाथ लगा, बेरोजगारों को कोई रोजगार की उम्मीद नहीं जगी, किसानों की माली हालत सुधारने का इस बजट में किसी तरह का कोई विजन सरकार का नहीं दिख रहा है। और जिस प्रकार से जीएसटी से लोग तंग आ चुके हैं, व्यापारियों का व्यापार ठप हो चुका है, जो नौकरियां जो जा चुकी हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको भी वापस लाने की किसी तरह की कोई विजन इस बजट में नहीं दिख रहा है। इसलिए इस केंद्र के इस बजट की हम जितनी निंदा करें उतनी कम है, क्योंकि केवल सब्ज बाग दिखाए गए हैं। किसी तरीके से किसी भी सेक्टर को राहत देने वाला ये बजट केंद्र का नहीं है।